मोटी खबर थी बोगस बिलिंग मामले जीएसटी विभाग की मोटी कार्रवाई है। जीएसटी विभाग और भावनगर पुलिस से मोटी कार्रवाई थी है। 20 आरोपियों सामे गुस्सी टॉक एक्ट हेठळ फरियाद नोंधाई है। भावनगर ना 19 और एक राजकोट नो आरोपी है। आधार कार्ड ना दुरुपयोग करीने आ जीएसटी कौभांड आचर्यु हतु। जरूरियातमंद लोकोने नाणाकीय प्रलोभन आपता हता। आधार कार्ड साथे मोबाइल नंबर पण चेन्ज करता हता। एक मोटी खबर छे जेमां गुस्सी टॉक नो केस नोंधायो छे। गौरव जोड़े छे। गौरव, गुस्सी टॉक नो केस नोंधायो छे जेमां 20 लोको सामे आ फरियाद नोंधाई छे। शुं विगतो समग्र अमने समय रह्यो छे? आ कदाच पहली वार थयुं हशे आ प्रकारना કિસ્સામાં। जी जनक, आ पहली वार ज हशे, कारण के जीएसटी विभागे बोगस बिलिंग सामे कार्यवाही करी हती ने जेमां एक कौभांड उजागर थयुं हतुं। फेब्रुआरी 2023 अने फेब्रुआरी 2024 मां जे केस थया, 5 फरियाद दाखल करवामां आवी हती। 141 आरोपी ने धरपकड़ थई हती, जे पैकीना 20 आरोपी सामे गुस्सी टॉक नो गुनो जीएसटी विभाग अने भावनगर पोलीसे दाखल कर्यो छे। आ आरोपीओ जे पण कोई गरीब व्यक्ति होय तेने नानाकीय प्रलोभन आपीने तेनी पासेनो आधार कार्ड हतुं, जे आधार कार्ड साथे पोतानो जे नंबर हतो ए चेन्ज करावीने बीजो नंबर एड करावता हता, जेना आधारे नवुं पान कार्ड अने जीएसटी नंबर मेळवीने आखो कौभांड आचरता हता। जे कौभांड खुल्या बाद आरोपीने धरपकड़ थई હતી ને હવે ગુસ્સી ટોક દાખલ કરીને તેમની સામે કાર્યવાહી કરવાની શરૂઆત કરેલી છે। બિલકુલ બિલકુલ બિલકુલ, આભાર ગૌરવ। તો આપ જોઈ રહ્યા છો ભાવનગરમાં 19 અને એક રાજકોટનો, તો જેમાં આધાર કાર્ડનો દુરુપયોગ કરીને આ આખું જીએસટી કૌભાંડ આચર્યું હતું। પણ સૌથી મહત્વપૂર્ણ વાત છે કે આમાં ગુસ્સી ટોકનો એક્ટ હેઠળ ફરિયાદ નોંધાઈ છે, એક મોટી વાત છે।